मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर सोशल स्टडीज लेक्चरर डॉक्टर एस एन मुस्तफ़ा काजमी एंड आई एम बैक विद माय नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ऑफ योर इकोनॉमिक्स। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड व्हाट इट हैज़ इट्स अफेक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो अबाउट द MNCs, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज and the impact on the international market and how it has globalized the whole economy of the world accordingly. Our first topic in this chapter is globalization. First of all, what is globalization? Globalization kya hota hai? Globalization hota hai jab aap kisi bhi country ki market ko internationally दूसरी कंट्री के साथ इंटीग्रेट करते हो, वो चीज़ ग्लोबलाइजेशन कहता है। ये बेसिकली आपका अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, इजीली ट्रेड फ्लो हो रहा हो, कैपिटल हो रहा हो, मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस द बॉर्डर, लोग इधर से उधर जा रहे हो आ रहे। जो इंटीग्रेशन होता है मार्केट का डिफरेंट कंट्रीज से, ये कहलाता है फॉरेन ट्रेड। अब इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन है, उसने कुछ जो डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसके बारे में 5 ईयर प्लान्स में कुछ चीज़ें रखी। उसके बिहाइंड रीज़न जो था वो था क्योंकि एक कंट्री जो होती है वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करके ये चीज़ें कर सकती है। दूसरा, जो उसके पास सरप्लस, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास प्रोडक्शन हो गया है, उसको बाहर निकाल सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है। तीसरा, अगर इफ़ेक्टिव रेगुलराइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का इन सारी चीज़ों की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से, क्योंकि आपको पता है इंडिया में, जैसे आपने देखा होगा, इंडिया से लोग जो है बाहर ट्रेड सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं ट्रेड करने के लिए, काम करने के लिए, या अपनी चीज़ें बाहर लेके जाते हैं बेचने के लिए। उससे क्या होता है, उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। जो फॉरेन एक्सचेंज आता है उससे किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट होता है। इन्वेस्टमेंट जो कि एक MNC किसी भी कंट्री में लगाती है वो कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs जो होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़, वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही हैं रैपिड इंटीग्रेशन, इंटरकनेक्शन पास लाने के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ की मार्केट को एक साथ इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही हैं। अब ऐसे रीजन्स दुनिया के जो पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, अब वो सारे एक दूसरे क्लोजर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं जो कि पहले कभी डेवलप नहीं थी, वो इन्हीं सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से डेवलप हो रही हैं। MNCs जो होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले अदा कर रहे हैं, जब प्रोडक्शन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लोकल कंपनीज़ के साथ। एग्जांपल, MNCs जो होती हैं वो पैसा प्रोवाइड करती हैं ताकि प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ सके और नई नई मशीनें उसके लिए ख़रीदी जा सके। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इंडिया में कारगिल फूड जो है वो एक अमेरिकन MNC है, उससे इंडिया में पारक फूड है उसके साथ मिलके प्रोडक्शन बढ़ाया है। अब रैपिड इम्प्रूवमेंट जो हुआ है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, और उसके पीछे इसने स्टिमुलेट किया है ग्लोबलाइजेशन को, बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। अब इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए या कम्युनिकेट करना है किसी दूसरे इलाकों में, तो आपको पता है टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, इन सारी चीज़ों से हम कम्युनिकेट करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन हम ले सकें। उसके बाद इसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है ताकि प्रोडक्शन का जो आपका सर्विसेज है वो कंट्रीज़ के थ्रू बढ़ सके, दूसरी कंट्री में वो फैल सके और उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके उस सर्विसेज के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का वो मेनी फील्ड बहुत ज़्यादा हुआ है, ये कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। पहला,
एमएनसीज़ ने जो है वो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर दिया है पिछले 20 सालों में, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है उनके लिए भी और इंडियंस के लिए भी, क्योंकि एमएनसीज़ जो होती हैं वो आपको एम्प्लॉयमेंट, काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और लोकल कंपनीज़ को, और लोकल कंपनीज़ जो कि उनको रॉ मटेरियल दे रही हैं, ये इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ी हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, वो ये है कि उसने गरीबी को नहीं मिटाया, उसने और ज़्यादा गरीबी बढ़ा दिया है, क्योंकि एक गैप क्रिएट हो गया है रिच और पुअर के बीच में, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्किल्ड और एजुकेटेड क्लास ही बेनिफिट हुए हैं ग्लोबलाइजेशन से। एक बहुत बड़ा चॉइस होता है कंज्यूमर्स के पास कि कौन से गुड्स वो लें और कैसे प्राइस पे लें, उनके पास सारी चॉइसेस होती हैं, इसी वजह से वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए वो एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंजॉय कर रहे हैं इंडिया में। अब लिबरलाइजेशन ऑफ इकनॉमी क्या होता है, इसका मतलब होता है इसको फ्री करना डायरेक्ट और फिज़िकल कंट्रोल जो कि गवर्नमेंट इम्पोज करती है उससे फ्री करना, या फिर हम इसको और दूसरे शब्दों में समझें, ये होता है लिबरेट करना ट्रेड और इंडस्ट्री को अनवांटेड गवर्नमेंट कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस पे। अब आपको पता है इंडिया में जो है अलग कंपनीज पे जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता था, उसको फ्री किया गया है इस ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। अब चलिए हम देखते हैं कि इस फॉरेन ट्रेड का क्या फ़ायदा हुआ है, क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ है, यह हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे चाइनीज़ टॉयज़ आपने इंडियन मार्केट में देखे हैं, चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि वो सस्ते मिलते हैं और नए नए डिज़ाइन में आते हैं। अब इंडियंस के पास, इंडियन बायर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं कि हम कोई से भी टॉयज़ खरीद सकते हैं और जैसे प्राइस पे चाहें हम वैसे प्राइस पे ले सकते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, चाइनीज़ टॉय मेकर्स ने जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर सकते हैं, और दूसरी तरफ इंडियन टॉय मेकर्स को भी लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो स्टार्ट किया गया था इनिशिएटिव ऑफ डेवलप कंट्रीज़, जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज किया जाए, फ्री किया जाए, हर कंट्री की गवर्नमेंट के लॉज से फ्री किया जाए। इस वक्त प्रेजेंटली 149 कंट्रीज़ जो हैं वो मेम्बर हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। अब इंडिया में एट प्रेजेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल स्टेप्स ले रही है ताकि फॉरेन कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर सके इंडिया में, ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और हमारा डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेटअप किए जा रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है MNCs और अदर कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो सके और यहाँ की जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस एंड फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ने एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज किया है स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स पे, छोटे छोटे काम करने वाले वर्कर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज पोज किया है। स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सबसे ज़्यादा आहत हुए हैं इस कंपटीशन की वजह से। बहुत सारी यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स, वो सारी बंद हो गई और उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं वो जॉबलेस हो गए हैं। कहते हैं अराउंड 20 मिलियन वर्कर्स जो इन छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, जब कंपटीशन बढ़ा तो उसकी वजह से वो जॉबलेस हो गए, क्योंकि उनको जो है काम जो मिलता था वो कम दिनों के लिए काम मिलता है, जिसकी वजह से वो जॉबलेस हो गए और उनकी जो जॉब्स हैं वो सिक्योर नहीं रह गई। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। 35 साल की सुशीला है, उसको 6 महीने काम ढूंढने के बाद उसको काम मिला, लेकिन वो टेम्प्रेरी वर्कर है, उसको किसी तरह कोई बेनिफिट नहीं मिला,
प्रोविडेंट फंड का, मेडिकल अलाउंस का, बोनस का, एक इस चीज़ का कोई भी उसको फ़ायदा नहीं मिला। दूसरा है अ डे ऑफ वर्क मीन्स नो वेजेस, अगर एक दिन की भी छुट्टी हो जाती है तो उनको उस दिन का पैसा नहीं मिलता है। कंपटीशन जो है गारमेंट एक्सपोर्टर में एक्सपोर्टर्स ने अलाउ कर दिया MNCs को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें, लेकिन वर्कर्स जो है उनको फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट जो है जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आता है उनको नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि इंश्योर कर सके जो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ़ायदा आ रहा है वो सबको मिले। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, जैसे लेबर लॉ, उसको इफेक्टिव और पूरी तरीके से लगाना पड़ेगा ताकि उनके वर्कर्स के राइट्स हैं उनको वो बचा सके। स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर एंड आई होप यू वुड हैव लाइक दिस चैप्टर वेरी मच एंड द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो द चैनल दैट इज़ लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। विल बी हैविंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड विद योर इंकरेजमेंट आई बी मेकिंग मोर वीडियोज़ एंड ऑल्सो वीडियोज़ ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स। विद द कमिंग videos we'll be discussing the questions and answers, important question and answers of these chapters, and also we'll be making you aware of all these topics in short. So please subscribe this to this channel and also like and comment on this video.